हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 के चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन को स्टडी करेंगे। सो ये वीडियो लेक्चर आप सभी क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट रिएक्शन है डाइजोनियम रिएक्शन। डाइजोनियम रिएक्शन हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो कि एग्जाम्स में रिपीट होती रहती है। ये हमारे पास डाइजोनियम साल्ट है जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव लगा हुआ है, इसको हम डाइजोनियम साल्ट बोलते हैं। डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन जब हम Kx से करवाते हैं, जहाँ पर हम X को I और Br ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम I लेते हैं आयोडीन। जब हम Kx से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है एराइल हैलाइड, जिसको हम आयोडो बेंजीन और ब्रोमो बेंजीन बोलते हैं। फर्स्ट रिएक्शन डाइजोनियम रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन हम हैलोजिनेशन की तरफ चलते हैं। हैलोजिनेशन और हाइड्रोजिनेशन, ये दो रिएक्शन है, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में एक सिमिलरिटी है कि दोनों ही अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड कंपाउंड देती है। जब हम रिएक्टेंट लेते हैं तो वो हमारा अनसेचुरेटेड होता है और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो हमारे पास सेचुरेटेड प्रोडक्ट होता है। हाइड्रोजिनेशन में हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, दिस इज हाइड्रोजिनेशन, और हैलोजिनेशन में हम Br2, Cl2 और I2 इन सब को ऐड करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ब्रोमीन ऐड करेंगे हैलोजिनेशन में, और हाइड्रोजिनेशन में हम हमेशा हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। हाइड्रोजिनेशन में हमारे पास कैटलिस्ट क्या होते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। हाइड्रोजिनेशन में हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं निकिल, प्लेटिनम एंड प्लेडिनम, और हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन को और हमें एक सैचुरेटेड कंपाउंड मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इथीन को लिया है, उसमें हाइड्रोजन ऐड किया है इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, प्लेटिनम एंड प्लेडिनम, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, और यहाँ पर मुझे इथेन मिल गया है। अब मैं आपको हैलोजिनेशन का एक एग्जांपल दिखाती हूँ। हैलोजिनेशन में भी मैंने इथेन को ही लिया है, इथीन, दिस इज इथीन C2H4, और इसमें मैंने ऐड किया है ब्रोमीन को Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, दिस इज कैटलिस्ट इन हैलोजिनेशन प्रोसीजर। इसके बाद मुझे 20 डाइब्रोमाइड मिला है, इसका नाम होगा हमारे पास 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ये भी हमारे पास एक सैचुरेटेड कंपाउंड हमें मिल चुका है। आई होप आपको हाइड्रोजिनेशन और हैलोजिनेशन का डिफरेंस क्लियर होगा। नाउ दी थर्ड इम्पोर्टेंट रिएक्शन इज स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन का मेन इम्पोर्टेंट यूज क्या है कि हम इसको फ्लोरो एल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन में हम किसी भी एल्काइल हैलाइड को ले लेते हैं, जैसे कि एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड, और उसका रिएक्शन हम मेटेलिक फ्लोराइड के साथ करवाते हैं। उसका रिएक्शन हमने सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराया है और हमारे पास प्रोडक्ट मिला है फ्लोरो एल्केन्स। दिस इज द प्रोडक्ट दैट वी ऑब्टेन बाय स्वार्ट्स रिएक्शन, फ्लोरो एल्केन। और जो हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट मिला है वो है सिल्वर ब्रोमाइड, क्योंकि यहाँ पर हमने ब्रोमीन लिया था। अगर हम यहाँ पर एल्काइल क्लोराइड लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर AgCl मिल जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। मेन प्रोडक्ट हमें फ्लोरो एल्केन चाहिए था, जिसके लिए हम स्वार्ट्स रिएक्शन कराते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन में हम दो कंपाउंड ले लेते हैं, या तो हम दो कंपाउंड एल्काइल हैलाइड के ले लेंगे या फिर दो कंपाउंड हम ले लेंगे एराइल हैलाइड के, और उनका रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम के साथ। उसके बाद हमें सैचुरेटेड कंपाउंड मिल जाता है एल्केन्स का या फिर हमें एराइल्स का। लेट्स सी इट्स एग्जांपल इज, हमने यहाँ पर दो कंपाउंड लिए हैं एल्काइल हैलाइड के, 2CH3Cl, फिर हमने सोडियम के साथ उसका रिएक्शन कराया, देन हमें प्रोडक्ट मिलता है दिस इज एन एल्केन, हमें प्रोडक्ट में एक एल्केन मिलता है, और 2NaCl।
सेकेंड एग्जाम्पल जिसमें हमने टू कंपाउंड्स लिए हैं एराइल हैलाइड के और उसका रिएक्शन कराया है हमने सोडियम के साथ, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट में डाई फिनाइल मिल जाता है और NaCl साल्ट हमारा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम, और जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें डाई फिनाइल मिल जाएगा। मतलब हमारा प्रोडक्ट जो भी है उसमें हमें हैलाइड नहीं मिलेगा, हैलाइड रिमूव हो जाएगा हैलाइड पार्ट, और हमें केवल बेंजीन की दो रिंग जिनका नाम डाई फिनाइल है डाई फिनाइल मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हैलाइड पार्ट जो है हमारा वो रिमूव हो जाएगा और हमें एल्केन मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एराइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं हम किसी नए एल्काइल हैलाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ लुविस एसिड, और हमें क्या मिलता है यहाँ पर इस टाइप का एक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। इस रिएक्शन को हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर एल्केन ऐड होगा इस वजह से एल्काइलेशन बोला गया है। और इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर मैं क्लोरोबेंजीन ले रही हूँ और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन में CH3Cl क्लोरोमीथेन के साथ कराऊंगी तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा मुझे, ये प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो जाएगा इस रिएक्शन के बाद। लुविस एसिड यहां पर हमारे पास होगा एनहाइड्रस AlCl3 और इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा 2-क्लोरोटोल्विन। दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। लुविस एसिड हमारे पास कैटलिस्ट है जिसका रखना हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है एनहाइड्रस AlCl3। नाउ द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम एराइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं R-CoX- इन द प्रेजेंस ऑफ लुविस एसिड, और ये हमारे पास दो प्रोडक्ट मिलते हैं जिसमें से पैरा प्रोडक्ट हमारे पास मेजर होता है। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहां पर मैं ब्रोमोबेंजीन लिया है जिसका रिएक्शन मैंने कराया है CH3CoCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लुविस एसिड। लुविस एसिड हमारे पास एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे और प्रोडक्ट हमारे पास मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, BrCOCH3। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट दैट वी ऑब्टेन। अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में रीजन बताएंगे कि क्यों हमारे पास पैरा प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट क्यों है हमारे पास। आई होप आपको सभी इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस क्लियर हो गए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।